शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे प्रिया, हाउ आर यू? वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट नैंसी। किसके साथ आई थी वो? वही रेगुलर दोस्तों के साथ आई थी, बट गई अकेली थी। बस रॉनी के साथ थोड़ी देर डांस किया था। और रॉनी के साथ आई थी वो? रॉनी कोई और लड़की के साथ आया था, पर रॉनी की नैंसी से मुलाकात हुई थी। तुम एक्सीडेंट वाली रात नैंसी से मिले थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम भी तो एक्सीडेंट से एक दिन पहले आई थी। Even you didn't tell me. What's the difference? The difference is that Nancy was killed, Mr. Rohan Ashraker. Don't you get it? And I thought you loved me. I still love you. Don't touch me! I'll find out who killed Nancy. Screw you! नंबर प्लेट के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता था। इट्स नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो एक्साइटिंग। और प्रिया का क्या हुआ? उसने कॉन्टेक्ट किया तुमसे? Excuse me. Hi. Hi, madam. इस रूट पर कितनी फेरीज हैं? सिर्फ हमारी दो हैं। 24 आवर सर्विस? नहीं मैडम, रात को 12 बजे बंद कर देते हैं, फिर सुबह 4 बजे स्टार्ट करते हैं। 16 तारीख को सैटरडे था, उस रोज भी आप ही थे? जी हाँ, मैं इस फेरी का ऑनर हूँ, मैं ही था। कोई रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं? नहीं मैडम, क्यों? मैडम 16 तारीख कह रही हैं, हाँ? तूफान आया था जिस रात, हाँ? फेरी तो 8:30 बजे बंद कर दी थी। अगर फेरी सर्विस बंद हो तो यहाँ से आने जाने का रास्ता क्या है? पुराना पुल, अंधेरी सड़क। प्रिया, ओके फाइन। जेडी रिपीट प्लीज। हेलो मिस प्रिया। रॉनी घर पर नहीं है। एक्चुअली घर की चाबी मेरे पास है, चाहो तो चेक कर लो। गुड, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मैं टोनीज बार गई थी, माय सिस्टर नैंसी वो भी थी वहां उस दिन, देखा होगा तुमने।
नहीं, याद नहीं। वहां से वापस कैसे आए थे रॉनी और तुम? फेरी तक रॉनी की कार में, उसके बाद गाड़ी खराब हो गई। फेरी चढ़ने से पहले या उतरने के बाद? फेरी से उतरने के बाद। लेकिन रॉनी ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें तो उल्टा था कि फेरी क्रॉस करने से पहले गाड़ी खराब हुई थी। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? एक्सीडेंट तुमने और रॉनी ने किया था ना? शट अप। रॉनी की कार में उस दिन तुम भी थी ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम दोनों ने पी हुई थी, इसलिए पुलिस के डर से वहाँ से भाग गए। शट अप। ओके नो। तुमने ही नैंसी को मारा है। नैंसी को तुमने मारा है। तुम उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ आई थी। सिस्टर को तुमने मारा है प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। मेरी बहन को वहाँ मरने के लिए छोड़ आई थी कि नहीं? नो। यस यू किल्ड नैंसी। नो। यस यू किल्ड नैंसी। जिस रात एक्सीडेंट हुआ था ऐसी बारिश हो रही थी, राइट? किस रात? कौन सा एक्सीडेंट? जिस रात आप और रॉनी टोनीज बार गए थे, दैट पार्टी, नैंसी का एक्सीडेंट उसी रात हुआ था, राइट? ओ, वो रात? ओह माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट नाइट? इतनी तेज बारिश हो रही थी, जस्ट लाइक दिस, यू नो, और रॉनी उसने मुझे इतना पिला दिया था, वो सो ड्रंक। मुझे बस ये याद है कि मैं गाड़ी में गई और सो गई, फिर कुछ गाड़ी खराब हुई या रॉनी ने ही मुझे उठाया, डोंट रिमेम्बर। एक्चुअली आई हैव टू गो। प्रिया कहाँ है? व्हाट? प्रिया कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे? प्रिया का फोन आया था, उसे पता चल गया है कि नैंसी का मर्डर किसने किया है। मुझे उसी ने बुलाया यहाँ। Maybe, but मुझे नहीं पता। मैं मार्केट गई भी थी। लेकिन प्रिया की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? I have to go.
see you later. One sec. Let me just call Priya. Not that easy.
वैसे प्रिया अभी तक जिंदा है। चलोगे उसके पास? से एक सपना था कि हम दोनों कहीं दूर आसमान को छूते हुए शादी करेंगे। Today is the day. Don't open your eyes, huh? One, two, three. Get you something to drink. Read. ये प्रिया का पूरा कन्फेशन लेटर है जिसमें उसने लिखा है कि नैंसी को प्रिया ने मारा। उसके बाद सारी जायदाद उसकी हो जाती, लेकिन अब वो सुसाइड कर रही है जिसका कोई जिम्मेदार नहीं है। और पता है रॉनी, I love you so much. I can kill both of us. कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है माया? मैं नहीं चाहता कि अभी पुलिस हमें पकड़े। प्रिया के कन्फेशन के बाद जब तक हम दोनों साथ हैं ना, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे भी कोई नहीं आएगा।
Love you so much. तुम्हें एक दिन बोला था ना मैंने रॉनी, जिसको भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे छीन जाता है। प्यार की असली ताकत देख ली ना माया, प्यार का मतलब छीनना नहीं होता, इट मीन्स टू गिव, टू सैक्रिफाइस। तो तुम यही चाहते हो मेरे प्यार की खातिर? माया हाथ दो। Give me your hand, माया। Come on. Give me your hand. रोहन साहब, अच्छी खासी क्राइम की रिपोर्टिंग करते करते कहाँ लड़की के चक्कर में फंस गए आप? वेल, अब तक आपने जो भी कुछ बताया है अगर वो ठीक से कोरोबरेट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। करण साहब, इस एक्सीडेंट की चार्जशीट बनानी पड़ेगी। गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। अंडरस्टैंड। तुम आराम से घर जाके सो जाओ, कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं तुम्हारी बेल करवा दूंगा। थैंक्स। थैंक्स मेट। डीएसपी साहब, मैं गृह मंत्री से बात करके आपके ट्रांसफर को रुकवा दूंगा। मेरा ट्रांसफर अगर रुक गया तो 5 साल तक रोहन को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। Thank you so much. अगर नैन्सी हट गई तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तुमने पुलिस को फोन किया? Have you lost your mind? You're drunk. I'm drunk. It's our secret, okay? पुलिस का नाम मत लेना। Get it right now. Right now. इस मूस का कुछ करना पड़ेगा। उसका भी सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, सुनो। मुझे मालूम है तुम्हें सारा सच पता है। इसमें लिखा है कि नैन्सी का मर्डर तुमने किया है, इसलिए तुम सुसाइड कर रही हो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हारे बाप का ख्याल मैं रखूंगा। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं करूंगी। बचपन की कहानियां, जवानी की कहानियां, सच्ची कहानियां, झूठी कहानियां, प्योर लव स्टोरीज। पता है अगर झूठी कहानियों को सच्चे मन से कहो ना तो सच्ची लगती है, नहीं?